आज हम बात करने वाले हैं PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सब्जेक्ट है जिसका नाम है IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कि पेपर होने वाला है अभी। तो इससे संबंधित क्या परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर क्या होंगे, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप पेपर अच्छे से करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं IT ट्रेंडेड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस क्या है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को समझाइए। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस के बारे में हम देखते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है जैसे ई गवर्नेंस, ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, गवर्नेंस का अर्थ होता है शासन करना। तो इंटरनेट के जरिए सरकारी सुविधाओं को आम जनता तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो सरकार अपनी योजनाएं पहले पेपर के माध्यम से जो है जनता तक पहुंचाती थी, रेडियो के माध्यम से पहुंचाती थी। इसके बाद इन सभी योजनाओं को यदि आपको इस्तेमाल करना है, इन सभी योजनाओं के बारे में जानना है, तो आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, ऑफिस में जाकर की आपको जानकारी मिलती थी। लेकिन आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से आप घर बैठे जो है जानकारी ले सकते हैं कि सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं और उनका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ई गवर्नेंस, जहां पर सरकार की योजनाओं को जनता जो है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस्तेमाल कर सकती है, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस या ई शासन से आम लोगों को शासकीय सेवाएं और महत्वपूर्ण सूचनाएं इंटरनेट के जरिए मुहैया कराई जाती हैं। वहीं अगर आप बिजली या पानी का बिल इंटरनेट के जरिए भरते हैं तो इसका मतलब है कि आप ई गवर्नेंस के चलते ऐसा कर पा रहे हैं। तो सभी प्रकार का बिल, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, ठीक है, ये जो भी आप सरकार की चीज़ों के लिए जो भी अमाउंट पे करते हैं और यदि वो ऑनलाइन करते हैं, उनकी योजनाओं के बारे में जानते हैं, इंटरनेट का यदि उसमें इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं। यहाँ पर यदि आप पिक्चर को समझ पा रहे हैं कि ई गवर्नेंस क्या कहलाता है, तो जो भी रिसोर्सेस हैं गवर्नमेंट के, यदि उनको इस्तेमाल करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए यदि टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के फायदे क्या होंगे हम देखते हैं। कार्य में तेजी, तो सबसे पहले कार्य में तो तेजी आ जाएगी। कोई भी कार्य को पहले जब हमें ऑफिस में जाना पड़ता था उस कार्य को करने के लिए, और फिर वहाँ पर जो भी कार्य होते थे वो डॉक्यूमेंट के आधार पर होते थे, तो वो कार्य करने में समय लगता था। लेकिन आजकल ये सारा कार्य ऑनलाइन फॉर्म भरने की वजह से तेजी से हो रहा है। पारदर्शिता, सारा कार्य पारदर्शित हो गया है, जिसमें कि भ्रष्टाचार करप्शन कम हो गया। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए अब आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा कार्य ऑनलाइन जो है वो हो रहा है। लागत में कटौती, जी हाँ, अब उन्हीं कार्यों को करने के लिए दस्तावेज कम लगते हैं, पेपर की लागत कम होती है और बहुत ही कम समय में वो कार्य जो है वो हो जाता है। पर्यावरण के लिए लाभदायक, क्योंकि पेपर यदि कम लगेंगे तो पेड़ कम कटेंगे जो कि हमारे लिए पर्यावरण के लिए लाभदायक है। जवाबदेही, इसमें सरकार की भी जवाबदेही बन जाती है, जो भी कार्य ऑनलाइन के माध्यम से वो उपलब्ध कराती है, यदि उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी होती है तो उसमें डायरेक्ट नागरिक सरकार की योजनाओं के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और चैट सुविधाएं भी होती हैं। इसी प्रकार लोगों के लिए फ़ायदेमंद, ये लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि लोग आज इसके कारण इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग सीखने लगे हैं, जिससे हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है। और इसी कारण से डिजिटल इंडिया कैंपेन सरकार द्वारा चलाया गया था कि सभी लोग इंटरनेट का उपयोग सीखें और ई गवर्नेंस का लाभ उठाएँ। यहाँ पर इसी प्रकार से, लेकिन कुछ चीज़ों के जब फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस के डिसएडवांटेज भी हमको परीक्षा में लिखने होंगे। तो ई गवर्नेंस के डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में भी जानते हैं। हर कोई लाभ नहीं उठा सकता, जी हाँ, जिसको इंटरनेट का इस्तेमाल करना नहीं आता, जिसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना नहीं आता, उसे अभी भी ऑनलाइन जहाँ पर जो साइबर कैफ़े होता है या कियोस्क सेंटर होता है उसके ऊपर जो है वो आश्रित रहना पड़ता है, वो स्वयं घर बैठे वो कार्य नहीं कर सकता यदि उसे इंटरनेट और कंप्यूटर का उपयोग नहीं मालूम। पहुँच में कमी होना, ये बहुत ही कम लोगों तक पहुँच पाया है। रूरल एरिया है जहाँ इंटरनेट की कमी है, इंटरनेट नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी ई गवर्नेंस का जो है वो फ़ायदा वहाँ के लोग नहीं उठा सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा नहीं होना, वही चीज़ मैंने बताई, यदि वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ब्रॉडबैंड नहीं है, किसी प्रकार का नेटवर्क नहीं है, तो ई गवर्नेंस का फ़ायदा वो वहाँ की जनता नहीं उठा सकती।
सुरक्षित ना होना। आज इंटरनेट में बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो आसानी से लोग हैक कर लेते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट में यदि सिक्योरिटी नहीं है तो आसानी से हैक हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की आप पेमेंट करते हैं तो कुछ लोगों में डर बना होता है कि कहीं उनकी पेमेंट जो है वो गलत जगह ना चली जाए, सही पेमेंट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ई गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा ई गवर्नेंस के बारे में, उसी प्रकार से यहाँ पर पूछा जा सकता है ई गवर्नमेंट के बारे में भी। तो ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग एक ही हैं। तो अब हम समझते हैं ई गवर्नमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट का अर्थ है नागरिकों, नागरिक मतलब हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट अपनी योजनाएं सिटीजन तक, नागरिकों तक। गवर्नमेंट अपनी योजनाएं व्यवसायियों तक, मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसी प्रकार के कर्मचारियों तक, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई। इसी प्रकार से सरकार, एक स्टेट की सरकार दूसरी स्टेट की सरकार तक, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कुछ सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए एवं सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उसको बोलते हैं ई गवर्नमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर ई गवर्नमेंट क्या करती है, ई गवर्नमेंट जो है सभी प्रकार से कर्मचारियों से जुड़ने के लिए, सिटीजन से जुड़ने के लिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जुड़ने के लिए और गवर्नमेंट बिजनेसमैन से जुड़ने के लिए यदि टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है तो उसे बोलते हैं ई गवर्नमेंट। यहाँ पर इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ई गवर्नमेंट एक टेक्नोलॉजी हुई और ई गवर्नमेंट सभी चीज़ों को चलाने का माध्यम, व्यापक रूप में हम उसे ई गवर्नेंस बोलते हैं और उसे टेक्नोलॉजिकल रूप में चलाना ही क्या कहलाता है, ई गवर्नमेंट कहलाता है। इसी प्रकार से चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पीपीपी मॉडल क्या है समझाइए। तो पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी। हिंदी में बोलेंगे सार्वजनिक निजी साझेदारी को पीपीपी, 3P या P3 आदि नामों से जाना जाता है। इसमें दो या दो से अधिक सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहकारी व्यवस्था है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मतलब गवर्नमेंट यदि किसी कार्य को करवाने के लिए प्राइवेट कंपनी से यदि किसी प्रकार का जो है साझेदारी करती है, किसी प्रकार की पार्टनरशिप करती है तो उसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो आमतौर पर दीर्घकालिक प्रकृति की होती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को पूरा करती है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। तो ये पीपीपी मॉडल की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब सरकार के पास इतना धन नहीं होता जिससे वह अपनी हजारों करोड़ रुपए की घोषणाओं को पूरा कर सके, तब ऐसी स्थिति में सरकार प्राइवेट कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करती है और इन परियोजनाओं को पूरा करती है। तो इसे बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं कि ई डेमोक्रेसी से क्या अभिप्राय है। ई डेमोक्रेसी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई डेमोक्रेसी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक और डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र शब्द एक संयोजन, जिसे डिजिटल लोकतंत्र या इंटरनेट लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए 21वीं सदी की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल करता है। यह सरकार का एक रूप है जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को प्रस्ताव, विकास और कानूनों के निर्माण में समान रूप से भाग लेने के लिए पात्र माना जाता है। यहाँ पर डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता का, जनता द्वारा चुना गया। ठीक है, हमारे इंडिया में लोकतंत्र ही है जहाँ पर जनता के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है, लेकिन वहाँ पर यदि इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाने लगा, जनता किसी भी प्रकार के निर्णय लेने के लिए, चाहे वो कानून बनाने से निर्णय हो, चाहे किसी भी प्रकार की योजना से हो, चाहे सरकार जो भी प्रकार के जो है नियम निकाल रही है, योजना निकाल रही है, वो योजनाएँ सही चल रही हैं कि नहीं, जनता तक पहुँच रही हैं कि नहीं, तो इसमें यदि वयस्क लोगों की, नागरिकों की सहमति ली जाती है, उनसे वार्तालाप किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे बोलते हैं ई डेमोक्रेसी, जहां पर सरकार पूरे सिस्टम को चलाने के लिए नागरिकों की भी सलाह लेती है, उसे बोलते हैं ई डेमोक्रेसी। ई लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को समाहित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लॉकर को कैसे उपयोग किया जाता है।
तो भारत सरकार ने 1 जुलाई 2015 को नागरिकों को पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र जैसे अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप से संग्रहित करने में मदद करने के लिए डिजिटल लॉकर सुविधा शुरू की। यदि आप आधार नंबर से जुड़े हैं तो आप दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं, आरसी कॉपी जैसे सारी किए गए दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा पाने के लिए बस आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड का नंबर डालकर आप डिजिटल लॉकर का अकाउंट बना सकते हैं। इसकी वेबसाइट ये रही digitallocker.gov.in। पहले आपने देखा होगा किसी प्रकार की वैकेंसी का फॉर्म भरना है या किसी प्रकार से कहीं किसी योजना के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सारे प्रकार के दस्तावेज की, डॉक्यूमेंट की हमको बार बार फोटो कॉपी जमा करनी पड़ती थी, जिससे कि पेपर भी जो है ज्यादा इस्तेमाल होते थे। लेकिन इस योजना के बाद हम सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके और एक ऑनलाइन जिसका नाम है डिजिटल लॉकर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई ही एक सुविधा है जहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर करके रख सकते हैं और केवल एक लिंक को शेयर करके सारे डॉक्यूमेंट उस संस्था के साथ, उस जहां पर भी हम अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, योजना के लिए, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं। तो आप भी आज ही डिजिटल लॉकर में अपने सारे डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम क्या है या कितने प्रकार का होता है? तो साइबर क्राइम का क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि इस यूनिट का पूरा आधा पार्ट साइबर क्राइम के बारे में ही दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। यह ऐसा कार्य है जो गैर कानूनी है। क्राइम का मतलब ही हो गया अपराध, इसलिए यह गैर कानूनी है तथा जिसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्योंकि साइबर क्राइम है ये, तो क्राइम है, अपराध है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ? साइबर से जुड़ा हुआ, इंटरनेट से जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, तो जिसमें सूचना तकनीक या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनिक युग में बहुत से गैर कानूनी काम या अपराध करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, शरारत आदि। सूचना तकनीकी प्रगति ने आपराधिक गतिविधियों के लिए नई संभावनाएं भी बनाई हैं। इन प्रकार के अपराधों से निपटने के लिए साइबर लॉ बनाया गया है। तो साइबर क्राइम क्या कहलाता है? जहां पर इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है, उसे बोलते हैं साइबर क्राइम। अभी साइबर अटैक कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। स्पाईवेयर होता है एक। स्पाईवेयर जैसा कि नाम है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करवा दिया जाता है गलत तरीके से, और वो आपके कंप्यूटर में स्पाई कैमरे की तरह जो है चीज़ों को निगरानी करता है। और जब भी आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या अपना कोई इंपॉर्टेंट यूजर नेम पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो जिसको ये सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर को चला रहा है, वहां तक वो हमारा जो है यूजर नेम और पासवर्ड पहुंच जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। मालवेयर, ये भी एक प्रकार का एंटीवायरस होता है, एक प्रकार का ये वायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। स्पॉम मेल होती है जो हमको बार बार भेजी जाती है, जिससे कि हम अपनी जरूरी जानकारी को साझा करने के लिए हमको मजबूर किया जाता है। कई बार लोग इस झांसे में फंस करके अपनी जानकारी को भी साझा कर लेते हैं। लॉजिक बम एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो किसी विशेष परिस्थिति में एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसे कि हमने जब भी कोई भी यूजर नेम पासवर्ड टाइप किया और वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक क्या करता है, उस यूजर नेम और पासवर्ड को कैप्चर कर लेता है। तो लॉजिकली एक कंडीशन के आधार पर वो एग्जीक्यूट होने वाला जो है वो क्या कहलाता है, लॉजिक बम कहलाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, कि किसी भी प्रकार की सर्विस को डिनाइल कर देता है। मान लीजिए हम कोई एंटीवायरस चलाना चाहते हैं तो उसको एंटीवायरस को चलाने नहीं देगा, तो उस प्रकार के हमारे कंप्यूटर में जो है वो क्या हो सकते हैं, साइबर अटैक्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम के प्रकार बतलाइए। ईमेल फ्रॉड, बहुत से हमें, आपने भी देखे होंगे, बहुत से ईमेल आते हैं बार बार जहां पर बोला जाता है कि आपने 10,000 का इनाम जीता है या 1,00,000 का इनाम जीता है, आप उसके लिए 5,000 इस अकाउंट में जमा कीजिए, तो उस प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, ईमेल फ्रॉड बोलते हैं। फिशिंग भी कुछ इसी तरीके से है, जहां पर लोगों को मान लीजिए बतलाया जाता है कि इन लोग, इसको जो है एक बीमारी है जिसके लिए इसको पैसे की जरूरत है, तो आप कृपया इनकी मदद कीजिए पैसे। फिशिंग मतलब एक प्रकार से लोगों को जालसाजी के रूप में फंसाना इंटरनेट के जरिए, ईमेल के जरिए, इमेज के जरिए, तो उसको कहते हैं फिशिंग। ईमेल स्पूफिंग का अगला दिया गया है, ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग का मतलब होता है कि हमारे नाम से यदि कोई हमारी ईमेल आईडी, हमारा पासवर्ड इस्तेमाल करके किसी को गलत जानकारी भेजता है, तो वो भी एक प्रकार का जो है साइबर क्राइम कहलाता है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं, हैकिंग है। अगला साइबर क्राइम है हैकिंग। हैकिंग के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा कि आपकी वेबसाइट का, ये चैनल का, या बहुत से किसी चीज़ों का, व्हाट्सअप का, फेसबुक अकाउंट का, लोग जो क्या करते हैं आईडी और पासवर्ड निकाल लेते हैं, और
आईडी और पासवर्ड निकालने के बाद उसका डेटा या तो डिलीट कर देते हैं या उससे कुछ गलत कार्य कर सकते हैं। आइडेंटिटीफाई थेफ्ट आज सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें लोगों के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग और इनके पासवर्ड लेकर के उनके अकाउंट ट्रांजैक्शन को जो है अकाउंट ट्रांजैक्शन करके गलत तरीके से उनके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, ये भी एक साइबर क्राइम का ही हिस्सा कहलाता है। तो ये साइबर क्राइम आज जो है बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए लॉ भी बनाया गया है और उनको देखने के लिए लगातार गवर्नमेंट जो है ऐसी चीज़ें बना रही है, ऐसी टीम बना रही है जो इन सब पर जो है निगरानी रखे। तो यहाँ पर हमने देखा टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। यूनिट सेकेंड के अंतर्गत पहला क्वेश्चन दिया गया है, ई कॉमर्स क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। तो इंटरनेट के जरिए व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट के द्वारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्यापार करना ई कॉमर्स कहलाता है, चाहे वह सामान खरीदना हो या बेचना। इसके साथ साथ इंटरनेट पर गेम्स, वीडियो, ई बुक्स, सर्च डोमेन नेम सर्विस, ई लर्निंग या ई शिक्षा भी ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। अर्थात ऐसे सभी क्षेत्र जिनके माध्यम से ग्राहकों को सुविधाएं देकर उनसे कुछ आर्थिक लाभ ले लिया जाए, और ऐसे क्षेत्र भी जिसमें सीधे धन का आदान प्रदान ना कर विज्ञापन के माध्यम से आर्थिक लाभ मिल सकता है, ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मली इस विषय के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल करते होंगे, ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे, वेबसाइट विजिट करते होंगे। ये सारी वेबसाइट जो हैं वो ई कॉमर्स के अंतर्गत ही आती हैं। ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या होंगे? ई कॉमर्स उपभोक्ताओं को सस्ते तथा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देखने का मौका देती है। जी हाँ, वेबसाइट और ऐप्स के माध्यम से आप सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स को आसानी से देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। यह नेशनल तथा इंटरनेशनल दोनों मार्केट में बिजनेस एक्टिविटीज़ की डिमांड को बढ़ाता है। आप यहाँ पर बैठ करके पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड से किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट को आसानी से घर बैठे देख भी सकते हैं और उसे मंगा भी सकते हैं। यह एक बिजनेस कंसर्न या व्यक्तिगत रूप से ग्लोबल मार्केट में पहुंचने के लिए सक्षम बनाता है। जी हाँ, यदि आप दुकान खोलते हैं एक छोटी सी, तो एक सीमित क्षेत्र तक के लिए होगी, लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन शॉप खोलते हैं तो उसका जो मार्केट है वो ग्लोबल हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सामान्यतः अधिक सुविधाजनक होती है तथा पारंपरिक शॉपिंग की अपेक्षा टाइम सेविंग होती है, क्योंकि तुरंत आपको कैसा प्रोडक्ट चाहिए है, किस रेंज का प्रोडक्ट चाहिए, किस कलर का प्रोडक्ट चाहिए, वो तुरंत आपको सर्च कर सकते हैं। इसके माध्यम से छोटे इंटरप्राइजेस प्रोडक्ट की खरीदारी। चलिए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की हानियां क्या होंगी? प्रतियोगिता स्थिति को विचारने में असमर्थ होते हैं। जी हाँ, यदि आपने ऑनलाइन जो है कोई शॉप ओपन करके रखी, ऑनलाइन कोई वेबसाइट है, ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, तो नॉर्मल क्या कॉम्पिटिशन है, ये चीज़ आप जो है वो नहीं देख पाते हैं। वातावरण की प्रक्रिया का पूर्वानुमान करने में असमर्थता होती है। उपभोक्ताओं को यह समझने में सफलता होती है कि वे ई कॉमर्स के माध्यम से खरीदारी कैसे करें। बहुत सारे व्यक्ति किसी भी तरह की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते हैं। इच्छित प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी कॉल्स तथा ईमेल की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी खर्चों को बढ़ा देती है। ई कॉमर्स ग्लोबल रूप से आपके लिए दरवाज़ा खोल देता है, अतः ग्लोबल रूप से व्यापारियों के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स के बेनिफिट्स क्या हैं तथा इसका मार्केट में क्या प्रभाव पड़ता है, समझाइए। ई कॉमर्स के प्रभाव, किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उसकी कीमत तथा उपलब्धता पर निर्भर करती है। मार्केट में विभिन्न क्रेताओं के द्वारा ऑफर किए गए प्रोडक्ट्स तथा कीमत के बारे में इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना खरीदारों की आदत है। तो जो भी प्रोडक्ट खरीदता है वो सभी प्रकार से कई वेबसाइट्स में जाकर के पहले उस प्रोडक्ट की कीमत को देख लेता है। ये कीमतें खरीदारों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलने के पश्चात, कई स्टेप से गुजरने के पश्चात खरीदार तक पहुंचता है। इस तरह इस प्रोडक्ट की कीमत इसकी वास्तविक कीमत से ज़्यादा हो जाती है, इसलिए भिन्न भिन्न कंपनियों के द्वारा एक जैसे प्रोडक्ट की कीमत भी भिन्न भिन्न होती है। किसी भी प्रोडक्ट को बेचने तथा खरीदने की पारंपरिक प्रक्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्मल दुकानों में चीज़ें मिलती हैं रिटेलर के पास से, वो किस प्रकार से पहुँचती हैं कंज्यूमर तक। प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए मोबाइल बनाया, फिर उसको होलसेलर ने खरीदा, होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा,
फुटकर जो दुकान फुटकर विक्रेता उन्होंने खरीदा, फिर उससे हम कंज्यूमर जो है मतलब हम उससे खरीदते हैं, तो क्या होता है कि ये प्रोडक्ट यहाँ से पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा महंगा हो जाता है। इसी प्रकार से यदि प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूसर से रिटेलर के पास पहुंचता है ऑनलाइन माध्यम से और डायरेक्ट वो उसे कंज्यूमर तक पहुंचाता है तो थोड़ा सा उसके प्राइस में कमी आ सकती है, लेकिन सेलिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर जैसे कि आज बहुत सी कंपनी ऐसी कर रही, मोबाइल कंपनी भी है रेडमी के मोबाइल डायरेक्ट ऑनलाइन ही मिलते हैं, तो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर तक उस मोबाइल को आसानी से पहुंचा देती है जिससे कि उसकी रेट भी कम हो जाते हैं और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा हो जाता है। तो ये प्रभाव है मार्केट पर किसका, ई कॉमर्स का, लेकिन इस प्रभाव में क्या प्रभाव पड़ता है, कंज्यूमर को तो फ़ायदा होता है लेकिन जिन्होंने लोकल शॉप खोली हुई है उनकी बिक्री थोड़ा सा कम हो जाती है, तो ये इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके प्रकार बतलाइए। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोडक्ट या सर्विस के लिए पेमेंट करने की अनुमति देता है। जैसे हम दुकान में जाते हैं कोई चीज़ खरीदते हैं तो डायरेक्ट कैश देते हैं, लेकिन उसके अलावा जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से जो है पेमेंट करते हैं, तो इस तरीके की पेमेंट को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आपको अपने पसंदीदा ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से मोबाइल से लेकर शूज तक कुछ भी खरीदने या ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी या केबल बिल का पेमेंट करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कुछ तरीके निम्नानुसार हैं, RTGS, RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह एक ऐसा ऑनलाइन बैंकिंग मेथड है जहां की पैसों को एक बैंक से दूसरे बैंक तक बिना कोई वेटिंग पीरियड के भेजा जाता है। जी हां, यदि आप अपने अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पेमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको ऑनलाइन बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग में जिसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड होता है उसमें लॉगिन करके देखेंगे, किसी को भी पेमेंट भेजते समय आपको ये ऑप्शन आएंगे जिसमें से कि एक है RTGS, दूसरा है IMPS। यदि आप इमीडिएट रियल टाइम में, इमीडिएट IMPS का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और इसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि तत्काल भुगतान सेवा। IMPS एक ऐसे बैंकिंग पेमेंट सेवा है जिसके तहत आप रियल टाइम में पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। जहां NEFT और RTGS में पैसे भेजने में थोड़ा समय लगता है, वहीं IMPS के माध्यम से पैसे भेजने पर तत्काल ही कंप्लीट हो जाता है जिससे हमें और ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो जब भी आप किसी को तुरंत पैसे भेजना चाहते हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट से तो आप IMPS ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं NEFT, ये भी एक ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन है। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, या इसे हिंदी में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण भी कहा जाता है। ये एक देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिससे पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप में भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। सभी NEFT सेटलमेंट को बैच वाइज फॉर्मेट में संचालित किया जाता है, तो एक बैच में इसका सेटलमेंट किया जाता है। इसमें पैसों को इस सिस्टम के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में सभी NEFT इनेबल्ड बैंक में इंडिविजुअल बेसिक में भेजा जा सकता है, तो वो बैंक भी NEFT इनेबल्ड होना चाहिए। कोई भी NEFT ट्रांसफ़र को प्रारंभ करने से पहले बैंक का IFSC कोड रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ दूसरे डिटेल्स जैसे बैंक के अकाउंट नंबर, बैंक के ब्रांच, अकाउंट होल्डर नेम का भी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चलिए हम देखते हैं पेमेंट गेटवे के बारे में कि पेमेंट गेटवे क्या कहलाता है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर ने वेबसाइट के माध्यम से जो है कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदा और पेमेंट की, पेमेंट करने पर उसने पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल किया। ये पेमेंट गेटवे इंटरमीडिएट मतलब बीच में काम करता है बैंक के और जो वेबसाइट होती है, जो मर्चेंट होता है और जो उसने वेबसाइट बनी होती है जो पेमेंट करता है कस्टमर, उसके बीच में। तो पेमेंट गेटवे के माध्यम से कस्टमर ने पेमेंट की और वो पेमेंट पहले जाती है बैंक के पास, बैंक उसको सेटल्ड करता है मर्चेंट या व्यापारी के अकाउंट में। तो पेमेंट गेटवे के बारे में हमने फ्लो बताया कि किस तरीके से पेमेंट जो है होती है। पेमेंट गेटवे एक ऐसी मर्चेंट सर्विस है जिसको ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट रिटेलर्स उपलब्ध कराते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने वाले कस्टमर आसानी से ऑनलाइन अपने डेबिट कार्ड,
क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकें। पेमेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें बैंक हमको 50 दिन तक का समय देती है, हमारे अकाउंट में पैसा नहीं भी होने पर वो हमको तुरंत इमीडिएट लोन दे देती है, जिसका जो टाइम होता है वो 50 दिन होता है। 50 दिन तक वो कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं चार्ज करती है, उसके अलावा फिर वो हमसे एक्स्ट्रा जो है वो इंटरेस्ट रेट लेती है। इसी प्रकार से डेबिट कार्ड होता है, जो भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसा जमा है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए या ATM से पैसे निकालने के लिए। इंटरनेट बैंकिंग होती है, जहां पर भी हम किसी प्रकार का बिल का भुगतान कर सकते हैं या किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल वॉलेट होता है, जिसका कि सबसे अच्छा उदाहरण पेटीएम है, जहां पर कि आप पैसे जो है अपने अकाउंट से वॉलेट में रख करके किसी को भी पैसे जो है बार कोड के द्वारा स्कैन करके भी बड़ी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। UPI भीम ऐप के द्वारा भी आप आसानी से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेमेंट गेटवे के बारे में बताया जो कि आजकल इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल आप लोग भी कर रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग भी आप क्या समझते हैं। तो ऑनलाइन मार्केटिंग आज के समय में सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर पॉपुलर कोर्स है। इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। अपनी वस्तुएं और सेवाओं की डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रतिक्रिया को ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केटिंग किस प्रकार की होती है, जहां पर कि हम प्रोडक्ट्स को और सेवाओं की डिजिटल साधनों से मार्केटिंग करने की प्रतिक्रिया को ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। एक प्रकार की मार्केटिंग होती है जिसमें कि हम प्रोडक्ट को शॉप के द्वारा शॉप के माध्यम से लोकल क्षेत्र में बेच पाते हैं, या हम बाहर मार्केटिंग करने के लिए पंपलेट होर्डिंग्स स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी को जो है अपनाते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत यही मार्केटिंग हम इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, गूगल एडवर्ड के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से करते हैं और कस्टमर का डेटा लेकर के कस्टमर से इंगेजमेंट करके जो है हम मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर पाते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट या किसी और एप्लीकेशन द्वारा हम इससे जुड़ सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग देखिए यहाँ पर ये पिक्चर ये बतला सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन से तरीकों से की जाती है। जैसे कि मैंने अभी बतलाया भी आपको, सोशल मीडिया के द्वारा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, फिर इन सब के द्वारा जो है हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए पेज बना सकते हैं, वहाँ पर अपने जो भी प्रोडक्ट हम सेल करने चाह रहे हैं उनके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं, उनसे इंगेजमेंट कर सकते हैं, उनका डेटा लेकर के उनको कभी भी कॉल कर सकते हैं। लिंक बिल्डिंग, लिंक वगैरह हम बना सकते हैं वेबसाइट में, ताकि यूज़र उन लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट में डायरेक्ट पहुँच जाए और वहाँ से जा करके किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को खरीद सके। गूगल एडवर्ड के माध्यम से, हम जो है गूगल में ऐड चला सकते हैं, यूट्यूब में ऐड चला सकते हैं, जिसके माध्यम से बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये प्रोडक्ट बहुत ही कम कॉस्ट में पहुंच सकता है और वहां से भी हमारे जो है कन्वर्जन हो सकते हैं और प्रोडक्ट सेल हो सकता है। इसी प्रकार से वीडियो मार्केटिंग होती है, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो मार्केटिंग आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोकल सर्च मार्केटिंग, लोकल में अगर आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करवाना है तो उसके लिए आप जो टारगेट ऑडियंस रखेंगे, टारगेट सिटी रखेंगे, वो लोकल रखेंगे। तो इस तरीके से कुछ डिजिटल मार्केटिंग के तरीके हैं जिनके द्वारा कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है, अपने किसी बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं यूनिट थर्ड में किस प्रकार के टॉपिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वायरलेस कम्युनिकेशन को समझाइए, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। कनेक्शन या कम्युनिकेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है वायरलेस और एक होता है वायर्ड कनेक्शन। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वायरलेस कनेक्शन की। तो वायरलेस कम्युनिकेशन शब्द 19वीं शताब्दी में पेश किया गया था और बाद के वर्षों में वायरलेस संचार तकनीक विकसित हुई। यह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर सूचना प्रसारित
करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इस तकनीक में किसी भी केबल या तारों का अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टरों की आवश्यकता के बिना हवा के माध्यम से सूचना प्रसारित की जा सकती है। मतलब दो डिवाइस के बीच में एक सेंडर एक रिसीवर होता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार के केबल की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर यह कम्युनिकेशन वायरलेस होता है, जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों जैसे IR, RF, उपग्रह आदि का उपयोग करके। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे कि कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन कौन सी डिवाइस इसमें इस्तेमाल होती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें कौन कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती हैं। एक होता है ब्लूटूथ तकनीक। तो ब्लूटूथ के बारे में तो नॉर्मली आपने सुना होगा, मोबाइल में भी आप इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप में भी होता है। ब्लूटूथ एक अन्य महत्वपूर्ण निम्न श्रेणी का वायरलेस कम्युनिकेशन प्रणाली है। यह 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज के साथ, ठीक है, इसकी जो रेंज होती है डेटा ट्रांसमिशन की वो 10 मीटर ही होती है, आवाज़ और ऑडियो ट्रांसमिशन प्रदान करता है। लगभग सभी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप ब्लूटूथ डिवाइस से लैस हैं, उन्हें वायरलेस ब्लूटूथ रिसीवर, ऑडियो उपकरण, कैमरा आदि से जोड़ा जा सकता है। तो ब्लूटूथ भी वायरलेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत एक तकनीक है। अगली है वाईफाई। तो वाईफाई के बारे में तो सभी लोगों को मालूम है, वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या इसको बोलते हैं WAN, इंटरनेट से संबंधित वायरलेस सेवा है। WLAN का उपयोग करते हुए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन जैसे विभिन्न डिवाइस एक एक्सेस पॉइंट और एक्सेस इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बहुत जानकारी है। वाई मैक्स जो है एक दूर संचार, ठीक है, वाई मैक्स इस प्रकार से भी लिखा जाता है, एक दूर संचार तकनीक है। इसमें जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, जैसे ब्लूटूथ वाईफाई की रेंज कम होती है, लेकिन यहाँ पर वाईमैक्स की रेंज पूरे शहरों तक हो सकती है, जबकि वाईफाई की रेंज एक बिल्डिंग के अंदर बस होती है, और वाईमैक्स की रेंज इंटरनेट चलाने के लिए पूरे एक शहर में जो ये कार्य कर सकता है। इस तकनीक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वर्तमान में कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूद 2G और 3G फ़ोन की सहायता से आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। इसके लिए ऐसे फ़ोन की आवश्यकता होगी जो वाईमैक्स संगत हो। वाईमैक्स इंटरनेट और सेलुलर दोनों नेटवर्क पर काम करता है। इसकी गति 2 Mbps/s होती है। तो ये था आपका कि कौन कौन सी जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है। अगला देखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। 2G, 3G, 4G, 5G को समझाइए। 4G मोबाइल हैंडसेट हम इस्तेमाल करते हैं जो कि इंटरनेट की स्पीड को बतलाता है। तो ये क्या कहलाता है? सबसे पहले 1G आया। 1G में क्या था? वायरलेस फ़ोन की शुरुआत 1G से हुई थी। इस प्रकार के फ़ोन में एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था। इसको सबसे पहले 1980 में लॉन्च किया गया था, जिसकी स्पीड की लिमिट 2.4 Kbps थी। इसको सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च किया गया था। इस फ़ोन में बैटरी की बहुत बड़ी कमी थी और इनकी वॉइस क्वालिटी और सिक्योरिटी भी बहुत कम थी। इस प्रकार के फ़ोन की फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 2G के बारे में। यह तकनीक 1991 में लॉन्च की गई थी और यह GSM पर आधारित थी, ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल। इस तकनीक में डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता था और इसकी स्पीड लगभग 64 Kbps किलोबाइट पर सेकंड का डेटा ट्रांसमिशन इसमें होता था। इससे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था। इस फोन से मैसेज भेजना, कैमरा और ईमेल करने की सर्विस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद 3G मोबाइल आ गए। देखिए इसकी पिक्चर भी बनी हुई है। यह तकनीक 2000 वर्ष की थी और इसके साथ साथ फ़ोन का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा बदल गया। इस तकनीक के जरिए आप अपने मोबाइल में हैवी गेम चला सकते थे, ये बड़ी फाइल को कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते थे, किसी को भी ऑडियो कॉलिंग कर सकते थे। इसके अलावा इसकी कॉल क्वालिटी और बैटरी लाइफ भी ज़्यादा थी। और इसके बाद इन सभी को स्मार्टफोन का नाम दिया गया। यह फ़ोन आने के बाद डेटा प्लान भी शुरू हो गया। यह तकनीक आई थी 2003 में और इसकी स्पीड थी डेटा ट्रांसफ़र रेट की 2 Mbps/s। उसके बाद 4G हैंडसेट, फोर्थ जनरेशन हमको बोलेंगे, जी का मतलब जनरेशन, जो कि 2009 में आई और इसकी जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो 100 Mbps/s है। उसके बाद 5G आई। 5G आपको जो है 2020 तक
यह इंडिया में लॉन्च होने की संभावना है और ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कनेक्टिविटी और स्पीड की कोई लिमिट नहीं होगी। भविष्य में यह तकनीक बहुत ही फास्ट होगी और इसकी वॉइस क्वालिटी सबसे बेहतर और सिक्योरिटी बहुत कड़ी होगी। तो ये 1 GB से ज़्यादा का डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये भी पूछा जा सकता है, तो शॉर्टकट में ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए अगला देखते हैं, IMEI तकनीक की व्याख्या कीजिए। मोबाइल में एक IMEI नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी है। अगर हम इसे हिंदी में देखें तो इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या बोलते हैं। यह 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है, केवल उसी डिवाइस में दिया जाता है जहां पर GSM और CDMA जैसे नेटवर्क उपयोग किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का नंबर है जिससे उस मोबाइल को ट्रेस किया जा सकता है। जब मोबाइल खो जाता है तो उस मोबाइल को ट्रेस करके उसकी लोकेशन को पता किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, GIS तथा ISP को समझाइए। तो यहाँ पर GIS का मतलब है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये GIS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसको बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से टारगेट एरिया की मैपिंग की जाती है। इसके बाद प्राप्त डेटा के माध्यम से ऑफिस में बैठे ही उस पूरे क्षेत्र की सटीक जानकारी हासिल कर ली जाती है। खासकर इस सॉफ्टवेयर का उपयोग अर्थ साइंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, न्यूक्लियर साइंस तथा आर्किटेक्चर, टाउन प्लानर, मैपिंग, मोबाइल आदि क्षेत्र में खूब हो रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर की मदद से वहाँ का डेटा कलेक्ट करके उसकी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं यूनिट 4th में क्या दिया गया है। यूनिट 4th में क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को समझाइए, मतलब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। तो जब हम किसी कंप्यूटर को इस तरह तैयार करते हैं कि वह मनुष्य की बुद्धिमत्ता की तरह कार्य कर सके, तब उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंस का अर्थ ही होता है बुद्धिमत्ता और आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, इसलिए इसकी मीनिंग होगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अर्थात जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, ठीक है, कौन कर सके, मशीन मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर बनाने का एक तरीका है। एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या एक सॉफ्टवेयर बुद्धिमानी से सोचता है, ठीक उसी तरह जिस तरह बुद्धिमान व्यक्ति सोचते हैं। तो मशीन में इस तरीके की प्रोग्रामिंग की जाती है कंडीशन के आधार पर, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स इंसान निर्णय लेता है किसी भी कंडीशन के आने पर, उसी प्रकार से मशीन में भी उसी तरीके की प्रोग्रामिंग सेट की जाती है ताकि वह खुद निर्णय ले सके। अगला दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या फायदे हैं? GPS तकनीक का फायदा। तो ये GPS तकनीक क्या होती है? कार और फोन में GPS तकनीक का इस्तेमाल करके हम किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। हम रास्तों को भूलने के बारे में चिंतित नहीं होते, हमें चिन्हों और साइन बोर्डों को याद रखने की भी जरूरत नहीं होती है। मनचाही जगह पर इस तकनीक का इस्तेमाल करके आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तकनीक में भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कैसे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर में भी होता है। लिखते समय कीबोर्ड हमारी गलतियों को ऑटोमेटिक सुधार देता है, सही शब्दों का विकल्प भी देता है। GPS तकनीक मशीन पर चेहरे की पहचान कर सोशल मीडिया में दोस्तों को टैग करना जैसे कामों में इस्तेमाल होता है। वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों द्वारा डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। खनिज पेट्रोल और ईंधन की खोज में इसका इस्तेमाल। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम ऐसे अनेक काम कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता। समुद्र तल की गहराई में खनिज पेट्रोल और ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम बहुत कठिन और जटिल होता है। समुद्र की तलहटी में पानी का गहन दबाव, इसलिए रोबोट्स की सहायता से ईंधन की खोज की जाती है। खेलों की रणनीति बनाने में अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल। क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीर लेने में भी प्रमुख रूप से किया जा सकता है। यह कोच को रणनीति का सुझाव भी देता है।
इसके बाद दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला है बेरोजगारी का कारण। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। उच्च कीमत और लागत, बैंक, एटीएम, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, किसी भी जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता से युक्त मशीन लगाना बहुत बड़ा महंगा हो सकता है। रचनात्मक शक्ति खत्म कर सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से हम नई डिजाइन, नई चीजों की रचना कर सकते हैं। बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ही आश्रित हो जाएं और निकम्मे और आलसी होकर अपनी रचनात्मक शक्ति खो बैठे। खतरनाक हथियारों का निर्माण, जी हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस बात की बहुत संभावना है कि इसकी मदद से मशीनें स्वचालित हथियार बना डाले जो खुद ही समूची मानव जाति का नाश कर दे। ऐसा होने पर कुछ लोग संपूर्ण मानव आबादी पर शासन कर सकते हैं, उसका शोषण कर सकते हैं। अनुभव के साथ बेहतर नहीं होती। जिस तरह मनुष्य नए कामों को करने पर नवीन अनुभव प्राप्त करता है और अगली बार उसी काम को बेहतर तरीके से करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने सॉफ्टवेयर के अनुसार ही काम कर सकती है। सही और गलत का फर्क करने में असफल, जी हाँ, मशीन तो मशीन है, वो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, इसके मेरिट्स तथा डीमेरिट्स को समझाइए, मतलब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को समझाइए। तो एक्सपर्ट सिस्टम मूल रूप से कंप्यूटर अनुप्रयोग है। जी हाँ, एक्सपर्ट सिस्टम एक कंप्यूटर अनुप्रयोग, मतलब कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जो एक विशेष डोमेन के आधार पर समस्याओं को हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, जैसे मेडिकल हो गया, आर्मी हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है। मानव विशेषज्ञों से प्रासंगिक और सटीक ज्ञान को कंप्यूटर मेमोरी में संग्रहित किया जाता है और यह जानकारी जरूरत पड़ने पर सिस्टम द्वारा एक्सेस की जा सकती है। तो उस डोमेन से रिलेटेड, उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है, उस फील्ड से रिलेटेड जो भी एक्सपर्ट है, वो अपना नॉलेज उस एक्सपर्ट सिस्टम में, उस सॉफ्टवेयर में जो है वो अपना एक्सपीरियंस डालता है। एक्सपर्ट सिस्टम चार मुख्य घटकों पर आधारित है। वे हैं उपयोगकर्ता इंटरफेस, एक है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जहाँ पर कि यूज़र इंटरेक्ट करता है। जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो जो सामने की स्क्रीन आती है जहाँ पर बटन्स होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स होता है, वो यूज़र इंटरफेस कहलाता है। अगला एक्सपर्ट सिस्टम होता है आविष्कार इंजन, इन्फ्रियंस इंजन। इन्फ्रियंस इंजन के अंतर्गत वो सॉफ्टवेयर में सारी जानकारी जो है वो एक प्रकार से एनालाइज की जाती है ताकि वो सॉफ्टवेयर हमको सही निर्णय, सही जानकारी को रिटर्न कर सके, हमारी क्वेरी को समाधान कर सके। विकास इंजन और ज्ञान कोश, डेवलपमेंट इंजन या नॉलेज बेस होता है। इस भाग में सभी प्रकार के एक्सपीरियंस एक्सपर्ट के द्वारा या बुक्स के द्वारा या रिसर्च के द्वारा इस भाग में जो है नॉलेज को रखा जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम आमतौर पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा आदि जगह उपयोग की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि यूज़र अपनी क्वेरी यहाँ पर देता है और उसको ये एक्सपर्ट सिस्टम एडवाइस देता है, निर्णय लेकर के देता है। तो यहाँ पर इन्फ्रियंस इंजन का इस्तेमाल होता है एक्सपर्ट सिस्टम में और नॉलेज बेस में सारा नॉलेज एक एक्सपर्टीज के द्वारा, रिसर्च के द्वारा और बुक्स के द्वारा रखा जाता है। जैसे इसका एक उदाहरण बतलाते हैं, कई बार आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर अपनी क्लिनिक में एक लैपटॉप रख के बैठा होगा और आपसे जो भी सिम्टम्स है वो पूछेगा। उसके बाद वो लैपटॉप से एक प्रिंट देगा जिसमें सिम्टम्स के आधार पर क्या बीमारी हो सकती है, क्या टेस्ट होने चाहिए और क्या टैबलेट आपको लेनी है, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक आपको दे देगा। तो ये भी एक एक्सपर्ट सिस्टम का अच्छा उदाहरण कहलाता है। यहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ होते हैं कंसिस्टेंसी, मेमोरी, लॉजिक, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और लॉन्गेबिलिटी। तो यहाँ पर ये एक्सपर्ट सिस्टम के लाभ कहलाते हैं। इनके बारे में और डिटेल्स जो है आप पढ़ सकते हैं, नोट्स के अंतर्गत दिया गया है। एक्सपर्ट सिस्टम के नुकसान क्या हैं, समय और लागत। जी हाँ, समय और लागत इसको बनाने में ज़्यादा लगता है और ये एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए बनाए जा सकते हैं। इमोशन लेस होते हैं क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कॉमन सेंस नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके प्रकार एप्लीकेशन समझाइए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये प्रकार का डेटा स्टोरेज है। क्लाउड स्टोरेज एक बहुत ही यूज़फुल फैसिलिटी है। इससे आप अपनी सभी ज़रूरी फाइल्स को, जैसे डॉक्यूमेंट्स,
फोटोज, म्यूजिक, वीडियो को कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट पर भी सेव करके रख सकते हैं। यह फाइल दो प्रकार से सेव की जाती है, पर्सनल एंड शेयर्ड। पर्सनल सेव की गई फाइल को आपके अलावा कोई ना तो कोई एडिट कर सकता है और ना ही छेड़छाड़ कर सकता है, जबकि शेयर्ड वाली फाइल को आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वो उसे एडिट भी कर सकता है और डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गूगल ड्राइव और एमएस वर्ड 2013 से सुविधा शुरू की गई है, जहां पर कि आप अपनी बनाई गई डॉक्यूमेंट्स की फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, नाम भी दिया गया क्लाउड स्टोरेज सर्विस का, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट स्काई ड्राइव, इंडेक्स, फोर सिंक्रोनाइजर और ड्रॉपबॉक्स। ये क्लाउड कंप्यूटिंग के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। क्वेश्चन दिया गया है इस यूनिट का, बिग डेटा क्या है, इसका एप्लीकेशन उपयोग क्या है, समझाइए। तो अलग अलग टेक्नोलॉजीज जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब आदि के माध्यम से डेटा लगातार जनरेट हो रहा है। कैसे? एक स्टडी के अनुसार आज ह्यूमंस हर रोज लगभग 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स का डेटा प्रोड्यूस करते हैं। यह डेटा अलग अलग फॉर्मेट्स जैसे कि टेक्स्ट, इमेज और वीडियो आदि में जनरेट होता है। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, जो भी हम व्हाट्सएप में डेटा शेयर करते हैं, जो भी हम फेसबुक में डेटा शेयर करते हैं, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, जो भी हम अपनी थॉट्स को शेयर करते हैं, इमेज को शेयर करते हैं, टेक्स्ट को लिख करके टाइप करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? बिग डेटा को एनालाइज करके यूज़र्स को रिलेवेंट एड्स शो किए जा सकते हैं। मतलब कि वो किस प्रकार की उसकी थॉट प्रोसेस है, कैसा वो सोचता है, कैसा उसको प्रोडक्ट पर पसंद आएगा। तो गूगल में जब आप इस प्रकार की चीज़ें लगातार सर्च करते हैं, तो गूगल समझ जाता है कि आपको ये चीज़ें पसंद हैं और वो डायरेक्टली आपको उसी प्रकार की चीज़ें, उसी प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऐड आपको सामने लाता है, जिन पर यूजर्स द्वारा क्लिक किए जाने की संभावना अधिक होती है। साथ ही बिग डेटा का प्रयोग यूजर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए भी किया जाता है। अब ये किसकी मदद से किया जाता है, इसके लिए भी सॉफ्टवेयर हैं। अपाचे हडूप एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा के साथ सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अपाचे के अनुसार यह एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर्स के ग्रुप में अवेलेबल बिग डेटा की डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि ये बिग डेटा होता है। देखते हैं यूनिट 5 में क्या टॉपिक दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है MIS क्या है, समझाइए। तो कंप्यूटर्स के आने से पहले बड़ी बड़ी कंपनीज, फर्म्स, स्कूल आदि के लिए किसी डेटा को स्टोर करना काफ़ी मुश्किल था। वह ये सारे काम पेपर पर किया करते थे, जो थोड़ा मुश्किल हुआ करता था, और डेटा के रखरखाव को लेकर भी कई परेशानियां बनी रहती थी। कंप्यूटर्स के आने पर भी डेटा स्टोर करना उतना आसान नहीं हो पाया। डेटा को सुरक्षित और आसानी से स्टोर करने के लिए MIS सॉफ्टवेयर बनाए गए। जी हाँ, पहले क्या होता था, स्कूल, कॉलेज, कोई भी संस्था है, वहाँ पर जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते थे वो रजिस्टर कॉपी में किए जाते थे, जो कि काफ़ी टफ और मुश्किल काम होता था। उसके बाद कंप्यूटर्स भी आए, तो कंप्यूटर्स में भी साधारण सॉफ्टवेयर में इन डेटा को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हुआ। उसके बाद आ गया MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए, जिसमें कि उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जा सकता है, उस इंफॉर्मेशन को का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और उसमें बहुत सारे लोगों का डेटा भी इनपुट करके किया जा सकता है, उसके आधार पर डिसीजन लिया जा सकता है, उसके उस डेटा को ग्राफ और चार्ट के रूप में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS को हिंदी में प्रबंध सूचना प्रणाली भी कहते हैं। इसमें ट्रांजैक्शन सिस्टम, डिसीजन सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम आदि इंक्लूड रहते हैं। तो ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रकार के मैनेजमेंट के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये प्रोसेस है किसको बनाने की, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, MIS। मान लीजिए किसी कंपनी को इस प्रकार का MIS या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो किस प्रकार की प्रोसेस इस्तेमाल करेगी, उस पूरी प्रोसेस को ही सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलेंगे। तो यहाँ पर SDLC का फुल फॉर्म है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC एक सूचना प्रणाली इन्फॉर्मेशन सिस्टम के जीवन चक्र की व्याख्या करता है। तो जब हम मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम किसी कंपनी में डेवलप किया जाता है, तो उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, किस तरीके से उसको बनाएंगे, कैसे वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनेगा, तो उस पूरी प्रक्रिया को ही SDLC बोलते हैं। तो ये SDLC के लिए लिखने के लिए भी शॉर्ट नोट या पूरा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेटाबेस डिज़ाइन SDLC का एक मूलभूत घटक है। किसी भी सिस्टम को बनाने में जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को
सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को आप इस पिक्चर से आसानी से समझ सकते हैं और परीक्षा में भी आप जो है इस पिक्चर को बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इनिशियल आइडिया होता है कि क्या हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, संस्था में किस प्रकार के मैनेजमेंट की जरूरत है, क्या प्रबंध वो करना चाहता है अपने यहाँ। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी होती है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है कि पहले किस प्रकार का सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर रजिस्टर फाइल इस्तेमाल की जा रही है तो उसमें किस प्रकार के कॉलम बने हुए हैं, कैसे डेटा एंटर किया जा रहा है, किस प्रकार के फॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है कि अब आपको इसके अलावा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ये कंपनी कहाँ से इकट्ठी करती है सारी इन्फॉर्मेशन जिस संस्था के लिए वो MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहती है, तो किस प्रकार की रिक्वायरमेंट है उस संस्था को इस डेटा को मैनेज करने के लिए। उसके बाद सिस्टम को एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके के वहाँ पर यूज़र्स को सॉफ्टवेयर जो है वो चला सकते हैं, वहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए क्या क्या सिस्टम्स की जरूरत पड़ेगी, इन सब का विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस में किया जाता है। इसके बाद आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है इसका डोमेन क्या होगा, इसको स्पेसिफिकेशन दिया जाता है कि क्या इसके अंतर्गत हम चीज़ों किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली प्रोसीजर आती है सिस्टम डिज़ाइन की। तो सिस्टम डिज़ाइन के अंतर्गत अब पूरे सिस्टम को, पूरे सॉफ्टवेयर को एक पेपर में डिज़ाइन किया जाता है, उसके डेटाबेस को एक पेपर में डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है डेवलपमेंट का पार्ट, जिसके द्वारा कि एक प्रोग्रामर के द्वारा कोडिंग करके जावा .NET PHP जिस भी प्रोग्रामिंग में उस सॉफ्टवेयर को बनाना है, विंडो एप्लीकेशन बनाना है कि वेब एप्लीकेशन बनाना है, यहाँ पर अब कंपनी में डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया जाता है। डेवलपमेंट होने के बाद उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई बग तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद अब उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जिस भी कंपनी के लिए, संस्था के लिए, क्लाइंट के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसे उस जगह पर ले जा करके वहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद अगला पार्ट आता है मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया है उसका जो भी डेटा एंट्री हो रही है उसको मैनेज करना, उसका प्रॉपर बैकअप और उसको रिस्टोर करना, डेटा सही तरीके से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सभी कुछ देखना मेंटेनेंस वाली कैटेगरी में आता है। उसके बाद रिव्यू लेना, सॉफ्टवेयर में क्या क्या कमियाँ हैं, कैसे दूर की जा सकती हैं, फीडबैक क्या है, यूज़र सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं रिव्यू। तो एक MIS सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाकर आपको एग्जाम में इनके सारे पॉइंट्स जो मैंने बतलाए हैं वो हेडिंग देकर के समझाना होगा। तो इसे बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ। क्या यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया वो हमने इस PDF से लिया हुआ था। इस PDF में और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमने बनाई हुई है। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट इसमें नहीं किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे PDF में। बहुत ईजी हैं और बहुत ईजी लैंग्वेज में बनाया भी गया है। तो सारी पाँचों यूनिट्स के क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां से लिंक से आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें सभी चीजों का एक्सप्लेन किया गया है, पूरा डिटेल में है। और